रहा है बब्बर, मुख अतिथि बनकर। ये तो बढ़िया खबर सुना है काका, आगे का इंतजाम? अपना तैयारी चारों तरफ से फैल है। आप लोहा गर्म कर दिए हैं, अब हथौड़ा हम मारेंगे। गिरधारी कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित कैले बा, वही में चीफ गेस्ट बने। हमू चलम कुश्ती प्रतियोगिता में। कुश्ती में दहिला के कोनो जरूरत नहीं है। मिथवा भलवा जातरन सन हमरा संगे नेपाल से माल आइल बा, जाके रिसीव करो अपनी के। ये विजय कंतुआ के पेट में दर्द पहले भी हुआ था ना? हम तो पहला बार देखे हैं। इसीलिए तो हमको उसका पेट दर्द पे भरोसा नहीं है। बबन लाल वाला प्लानिंग सबसे छुपा कर रखना बहुत है जरूरी था। यही से हम यहाँ के किसी भी आदमी कोई प्लान में शामिल नहीं किया। बब्बन को चुनाव लड़ने से रोकने का कोई रास्ता निकालिए। एक रास्ता है का? दुनिया से उसका टिकट कटवा दीजिए, फिर वो कभी इलेक्शन का टिकट नहीं मांगेगा। यही है कि 100 चोट सोनार के, 1 चोट लोहार के। जानते हो हमारा भी मिजाज इंडिया जैसा है कि सुते रहो अचानक जब उठो तो एक बार दन दना दन दन। लगता है रितेश कुमार है। गाड़ी तो वही के लगता है। हाँ आइए आइए बाहुबली, स्वागत है। आइए रितेश बाबू, ऐसे अचानक? दोनों खास बात है का? खास बात ना होता तो ये दोपहरिया में ही आते। है कुछ बहुत खास बात है। विजय कंतुआ के बारे में बहुत खास खबर। विजय कंतुआ के बारे में क्या बात है, जल्दी बताइए। अरे विजय कंतुआ के पेट में एक बार की दर्द हुआ और बबुआ उसको ले गया है चेकअप कराने हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गया और कौन डॉक्टर के यहाँ गया? डॉक्टर? डॉक्टर तो हमको नहीं पता। अरे तुमका घंटा खबर है, डॉक्टर पता ही नहीं है? कौन डॉक्टर के यहाँ, कौन हॉस्पिटल में, कैसे जानेंगे? लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा मुद्दन भाई। विजयकांत को साफ करने का बहुत गोल्डन चांस मिल गया हम लोग को। तो कुछ क्लू देंगे तब ना पता चलेगा। क्लू का देंगे? यह आदमी दिल्ली बंबई में ढूंढ लेता है, आप यहाँ महाराजगंज में नहीं ढूंढ पा रहे। अरे कोशिश करेंगे तभी ना मिलेगा। रितेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए ना पुतन भाई, पता करते हैं कि बबुआ विजयकांत को कहाँ लेके गया है। अच्छा बात बताओ, तुमने सामने निकला था घर से, कुछ बताया नहीं कहाँ जा रहा है? आपको पता तो है नहीं कि धर्मेंद्र कांड के बाद बबुआ हम पे विश्वास ही नहीं करता। सो तो है, बहुत सही चांस है ये कंतुआ खत्म करने का। जितेंद्र चलो चलिए। हेलो हेलो हेलो, हवा में तलवार भांजने से कुछ नहीं होगा, ठीक से कोशिश करिए, नहीं तो फिर वो पिछली बार की तरह निकल जाएगा और आप वो गाते रहेंगे बिरहा। अरे रितेश बाबू, वो चांस था कि बच गया, हर बार नहीं बचेगा, इस बार साफ हो जाएगा। बकरी के माई कितना दिन खैर में नहीं है। जितेंद्र निकलो। पहले हमको निकल जाने दो, उसके बाद तुम लोग अपना काम करना। चलिए ऑल द बेस्ट जितेंद्र। फोन निकाल। हाँ सुन, लोड कर, हथियार लोड कर, गाड़ी में निकलना है अभी, जीजा जी को गिफ्ट देना है। बाहुबली का अंत। स्टेशन के रवालो पहले से जान रहल बानी कि आज महाराजगंज में वार्षिक कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित कैल गइल बा और एकर प्रमुख आयोजक बाने श्री गिरधारी लाल जी। हमनी के सौभाग्य बा ये शुभ अवसर पर श्री बबन लाल जी प्रमुख समाज सेवी उपस्थित बानी। अपना बजरंग अखाड़ा के ओर से हमनी के यहाँ के हार्दिक स्वागत कैल जाता। प्रतियोगिता के शुरुआत होता प्रथम सेमीफाइनल से, एकर गोपालपुर से अगुवाई करत आने लल्लन पहलवान और दूसर पहलवान बाने रामपुर के मुन्ना पहलवान।
दूसरका सेमीफाइनल सबलपुर के ताल ठोक पहलवान से हुई, गाजीपुर के दाव पछाड़ पहलवान से। ई दोनों प्रतियोगिता में जे जीती उ फाइनल में लड़ी, और जे फाइनल में विजयी हुई ओकरा के श्री बब्बन लाल जी अपना हाथ से सील दी है। अब रवा लोग जोर से ताली बजा के पहलवान लोग के स्वागत करी। पहला सेमीफाइनल के विजेता बड़े मुन्ना पहलवान, रवालो जोर से ताली बजाई। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है ना? अरे बढ़िया बढ़िया आयोजित किए हैं आप खिलाड़ी जी, आप तो आइए नहीं रहे थे। अरे बढ़िया, चलिए। का कौनो नर्सिंग होम में नहीं गया साहब? साला कैसा इंफॉर्मेशन दिया था तुम हमको? ठीक से पता किए थे? पेट में दर्द था कि कुछ और? साले को कैंसर और सब तो नहीं हो गया था कि बबुआ उसको लेके दिल्ली या बॉम्बे चला गया हो? अबे कहा बड़बड़ कर रहा, पागल हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? साला दिमाग हमारा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। न अस्पताल में, न नर्सिंग होम में, मैं गया कहां सब? जितना पता था उतना पता दिया, अब दोनों टाउन से लापता हो गया तो हम क्या करें? डॉक्टर, ससुर का नाती, लेकिन ये सब साला गया किधर? दूसर का सेमीफाइनल सबलपुर के ताल ठोक पहलवान और गाजीपुर के दाव पछाड़ पहलवान के बीच होता, तो वालों जोर से ताली बजाई। दूसरका सेमीफाइनल में सबलपुर के ताल ठोक पहलवान विजयी हो गए, तो मारी जोर से ताली।
आजा आजा शाबाश 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 बेटा शाबाश जीता रे जीता रे जीता रे जिंदाबाद अपन भैया जिंदाबाद अपन भैया बस 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 अब तीसरा राउंड शुरू करो चल रे इतना देर हो रहा है तीसरा राउंड शुरू होने में आखिरी राउंड है फाइनल एकदम अभी शुरू करवाइए चले बड़ा घाम है इतना गर्मी लग रहा है रे तो पानी लाना ए इधर आओ इधर तुम लोग कुश्ती देखने आया मारूंगा लग पड़ के केवल चलो उधर उस तरफ जाओ अलर्ट रहो तुम उस तरफ जाओ अलर्ट रहना इधर खड़ा रहो तुम लोग रउआ लोग ध्यान से सुनी पहला सेमीफाइनल के विजेता मुन्ना पहलवान और दूसरा सेमीफाइनल के विजेता ताल ठोक पहलवान के बीच फाइनल मुकाबला शुरू होता रउआ लोग जोर से ताली बजाई बड़ा मजबूत जोर लगा के ये भी अच्छा है अच्छा है लड़ा चलो फोटो लो आजा आजा फोटो 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 बहुत बढ़िया और ये बच्चा विजयी हुआ है और ये सेकंड हुआ है भाइयों ऐसे तो अपना गांव में हर साल कुश्ती के आयोजन होला बाकी इस साल इस प्रतियोगिता का बहुत ही खास महत्व है और खास महत्व इसलिए है कि इस साल हमारे प्रमुख समाज सेवी श्री बब्बन लाल जी विराजमान है तालियां अब हम श्री बब्बन लाल जी से अनुरोध करेंगे कि अपना शुभ हाथों से हमारे आज के जीते हुए पहलवान लोगों को शील्ड प्रदान करें पहले आ रहे हैं उप विजेता रामपुर के मुन्ना पहलवान आइए आइए बहुत बढ़िया खिलाड़ी क्या बात अब आ रहे हैं आज के कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता संबलपुर के ताल ठोक पहलवान जो हमारा जिला भी है अब हम बब्बन लाल जी से अनुरोध करेंगे कि माइक पर आए और दो शब्द हम लोग का उत्साह बढ़ाने के लिए कहें ये जी कितने लोग हैं तो जम के भाषण दीजिएगा भाइयों हमको यहाँ कुश्ती प्रतियोगिता में आके बहुत अच्छा लगा तो चाहते हैं कि कुश्ती प्रतियोगिता गांव गांव में हो जिला जिला में हो शहर शहर में हो प्रदेश में हो पूरा देश में हो हम चाहते हैं कि हर बच्चा कुश्ती खेले कुश्ती लड़े कुश्ती स्वास्थ्य के लिए एक मूल मंत्र है अगर
आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा और आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आप अपने लिए स्वस्थ नेता का चुनाव कर सकते हैं। स्वास्थ्य जो है जीवन के तरक्की का, जीवन के उन्नति का, जीवन में आगे बढ़ने का, इस विश्व में प्रथम स्थान पाने का मूल मंत्र है। ताली बजा रहे लोग। हम आने वाले चुनाव के बाद हर गांव में इसको ऑफ कर दे। पहले दो बार तो फोने काट दिए, अब लगता है स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं। अरे तो तू काहे बवरा गेल बाड़ा? ते जानत नहीं खीस, विजयकांतवा और बबुआ दोनों गायब बड़े सन घर से। वो दोनों गायब है ना, तो तू काहे दुबरा रेल बड़ा बैठा। अरे दीदी हमरा शक होता कि कोनो चक्र भी हो ना रचले हो कसन। अरे ना पुतन, तू चिंता मत कर, बहुत लोग गए उनके साथ, उनका कोई बाल भी बाका ना कर सकेला। तू चिंता मत कर, तू बैठ। तेहूं क्या कर रहे थे? हाँ, हम हर गांव में पानी का हैंड पंप नहीं, दूध निकालने के लिए हैंड पंप लगवाएंगे। ताली बजा रहे लोग, ताकि हर बच्चा पी के स्वस्थ रहे। भाइयों, हम कोई नेता नहीं है, हम आपके अपने हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके बच्चे समान हैं। आप जब चाहें हमको याद कर सकते हैं, हमको बुला सकते हैं, आधी रात को बुला सकते हैं, भेजारा बुला सकते हैं, सजिया बुला सकते हैं, दुपहरिया बुला सकते हैं। ताली बजा रहे, ताली ताली। हमारा फोन नंबर लिखिए, 22 89 86 11 5। जब मन करे फोन कीजिए, आपका ही बबन लाल हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। नेता का मतलब होता है जनता का सेवक। हम सेवक हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि आप अपना बहुमूल्य वोट देकर हम जैसे स्वस्थ नेता को अपने लिए चुनिए। तालियां। और स्वस्थ गांव, स्वस्थ जिला, स्वस्थ प्रदेश, स्वस्थ देश का निर्माण कीजिए। तालियां।